अस्सलाम जी, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनाने का तरीकाकार क्या है, उसके लिए आपको कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं और उसको पेमेंट का तरीकाकार किस तरह था, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो लिंक के ऊपर मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में मेरे से एक सवाल पूछा गया था कि जिन लोगों का ऑनलाइन लर्निंग एक्सपायर हो चुका है वो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, उसको रीन्यू कर सकते हैं। तो इस सारी वीडियो के अंदर आपको ये तरीका बताऊंगा कि जिन लोगों का लर्निंग लाइसेंस जो एक्सपायर हो चुका है वो किस तरह से बना सकते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी खबर उन लोगों के लिए है जो कि अभी तक ऑनलाइन या सेंटर्स में जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना सके, उनके लिए हुकूमत बड़े सख्त इकदाम करने जा रही है। अब तक जो नए लोग थे उन्होंने इस सहूलत से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा दिया है, लेकिन पंजाब हुकूमत की तरफ से ये फैसला किया गया है कि 1 जनवरी के बाद ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस की फीसेस के अंदर कितने गुना इजाफा किया जाएगा ये आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। और इससे पहले पंजाब हुकूमत की तरफ से और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से खवातीन के लिए एक खास इकदाम किए गए हैं, वो भी आपको सारी डिटेल बताएंगे इस वीडियो में। जी, तो जिन लोगों का लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है उनके लिए ये ट्यूटोरियल है छोटा सा। आपने क्या करना है, सबसे पहले जाना है आपने गूगल पे, या गूगल के ऊपर आपने लिख लेना है DLIMS। जैसे ही आप इसको लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपके पास जो पहली वेबसाइट आएगी आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। मैं ऑलरेडी इसके अंदर लॉगिन कर चुका हूँ इसलिए मेरे पास इस तरह का शो आ रहा है। जिन लोगों के पास इस तरह का इंटरफेस शो नहीं होगा वो सबसे पहले अपने अकाउंट को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सबसे पहले आप उसको देखें, उसमें आपने इसकी रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीकाकार जान लेना है। जिन लोगों ने अपना लर्निंग जिन लोगों का लर्निंग एक्सपायर हो चुका है उन्होंने सबसे पहले ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइन आपके साथ ये कॉर्नर में नज़र आ रही होंगी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जहाँ पे पहले आपको ये ऑप्शन आ रहा था कि जस्ट न्यू लर्नर ऐड हो रहे थे, लेकिन उसके साथ ही अब रीन्यूअल लर्नर का एक ऑप्शन उन्होंने इसमें ऐड कर दिया। इसका फ़ायदा ये है कि इस ऑप्शन के ऊपर वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका लर्निंग ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे अपना CNIC और डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है और इसके बाद इसको आपने सबमिट करवा देना है। मैं यहाँ अपना CNIC लिख रहा हूँ मिसाल के तौर पर, आपने यहाँ पे अपना लिखना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, तो ये मैं यहाँ पे अपना मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दी है। जैसे ही मैंने अपना ये डाटा यहाँ पे पुट किया है तो उसने यहाँ पे मुझे सबमिट का ऑप्शन दे दिया, आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। यहाँ पे मेरा जो आ रहा है वो नो लर्नर रिकॉर्ड फाउंड, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली अपना इसके ऊपर लाइसेंस बनाया तो वो अभी एक्सपायर नहीं हुआ है। जैसे ही आप वो लोग जिनका एक्सपायर हो चुका है जब वो अपना CNIC नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सबमिट करवाएंगे तो उनके पास वही पहले वाला इंटरफेस शुरू हो जाएगा जहाँ पर उन्होंने अपनी सारी डिटेल्स वगैरह दी थी। तो आपने वहाँ पे अपनी सारी रिक्वायर्ड डिटेल देनी और इसके बाद आपने जो 60 रुपये की फ़ीस है वो आपने सबमिट करवानी है थ्रू जैज़ कैश या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी आप करवा सकते हैं, वो सारी डिटेल आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगी। तो आपने वो सारी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करके तो आपने उसको सबमिट करवा देना है और उसके साथ ही आपका जो लर्निंग जो एक्सपायर हो गया था वो आपका रीन्यू हो जाएगा। ये था जो वो तरीका का जिसके थ्रू जिन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था वो भी अब ऑनलाइन इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने लाइसेंस को रीन्यू करवा सकते हैं। अब बात करते हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से किए गए एक ऐसी अपडेट की जिसके बाद 1 जनवरी के बाद यही जो 60 रुपये की फ़ीस है वो आपको 1000 रुपये पड़ने वाली है। जी हाँ, जिन लोगों ने अभी तक अपना ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस या सेंटर में जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई नहीं किया उनके लिए हुकूमत की तरफ से कुछ और सख्तियां उनके ऊपर नाफिज की जाएगी, जिसके तहत सबसे पहले जो इसके अंदर इकदाम किया गया वो ये है कि इसकी फीस को 60 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। जब से CTO अमारत आर से इस हवाले से गुफ्तगू की गई तो उन्होंने कहा कि 60 रुपये चूँकि बुनियादी तौर पर पंजाब हुकूमत की तरफ से ही ऑर्डर थे और इनिशियली लोगों को सहूलत देने के लिए ये इकदाम उठाया गया था, लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर तेज़ी आ रही है और उन्होंने ये भी बताया कि लास्ट 3 डेज़ के अंदर तकरीबन 3 लाख लोगों ने ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जो कि लोगों के लिए बहुत आसानी थी। जब उन्होंने इस हवाले से मज़ीद उनसे गुफ्तगू की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर और लर्निंग सेंटर्स के अंदर जहाँ पे लाइसेंस बनाए जा रहे थे
वहां पर वाजे कमी देखी गई है लोगों की, और लोगों को शौर दिया गया है कि वो ऑनलाइन ही अपनी जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए अप्लाई किया जा सके। लेकिन साथ ही साथ पंजाब हुकूमत के इकदाम और उनके रूल्स के तहत उनका ये कहना था कि अब 1 जनवरी के बाद इसी फीस को 1,000 रुपया कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं लाहौर ट्रैफिक पुलिस के उस इकदाम की जिसमें खवातीन के लिए बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने जा रहा है, वो ये है कि मैं पंजाब पुलिस ऑफिशियल की एक ट्वीट आपके सामने रख रहा हूँ जिसके अंदर ये वाज़ह तौर पे मेंशन किया गया है कि ख़वातीन को बाख्तियार और ख़ुद एतमाद बनाने का मिशन है, जिसमें लाहौर ट्रैफिक पुलिस का ख़वातीन के लिए राइड फॉर चेंज प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया गया है। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में स्कूटी ट्रेनिंग का आगाज़ किया जाएगा। वुमेन ऑन व्हील प्रोजेक्ट राइड फॉर चेंज प्रोग्राम के तहत ख़वातीन को मोटरसाइकिल चलाने की फ्री तरबियत दी जाएगी। ये बहुत इस हवाले से बड़ा ज़बरदस्त इकदाम है कि ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो इस ट्रेनिंग को अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, बहुत महंगे ट्रेनिंग जो स्कूल्स बने हुए हैं जिसमें काफ़ी खर्चा भी आ जाता है, तो इस लिहाज से ये बड़ा ज़बरदस्त इकदाम है। वो ख़वातीन इस पर पार्टिसिपेट कर सकती हैं जो कि इसको अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। वुमेन ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट और राइड फॉर चेंज प्रोग्राम का मकसद ख़वातीन को ज़्यादा पुरएतमाद और ख़ुद मुख्तार बनाना है, क्योंकि ख़वातीन बाख्तियार होंगी तो माशरे में वाज़ह तब्दीली यकीनी होगी। इस बात के साथ कि अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।